प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इतिहास रचकर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। चीन में संपन्न एशियाई खेलों में 107 पदक लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सफल होकर लौटे हैं तो संतोष है कि केंद्र सरकार के प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने ये उनकी जमीनी समझ, उनके बलबूते पर आज भारत की पताका चारों ओर फहरा रही है, भारत का यशगान हो रहा है। चाहे स्टार्टअप्स का सेक्टर हो या साइंस का, या स्पेस का हो या स्पोर्ट्स का हो, चारों तरफ भारत की ही धूम है। G20 की सफल मेजबानी से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, पूरी दुनिया में आज भारत का ही डंका बज रहा है। मैं जब भी आपके पास गया, आपने पूछा कि खेलो इंडिया के लिए और पैसे तो नहीं चाहिए, टॉप स्कीम ठीक चल रही कि नहीं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है। फिर आप व्यक्तिगत किसी खिलाड़ी के बारे में पूछते थे कि उसका परिवार गरीब है, इसकी और मदद कैसे हो सकती है। ये अपनापन खिलाड़ियों के प्रति और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हो, ये मैंने तो आज तक नहीं देखा था, ये आपने संभव किया है। हम सभी खिलाड़ी, खेल प्रशासक, खेल संघ आपके सदा आभारी रहेंगे। आप कभी पर्दे पर तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी पर्दे पर आते नहीं, लेकिन ट्रेनिंग से पोडियम तक ये जो सफर है ना, ये इन लोगों के बिना संभव ही नहीं है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है।